हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरु जी चैनल। और आज मैं आपके लिए 2022 की बेहतरीन बायोग्राफिकल मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। आर माधवन स्टारर इस मूवी की स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ही काम खुद आर माधवन सर ने ही किए हैं। ये फिल्म इंडिया का विकास रॉकेट इंजन बनाने वाले साइंटिस्ट नंबी नारायणन सर के जीवन पर आधारित है। वैसे इस फिल्म को बहुत ज्यादा स्क्रीन्स तो नहीं मिली है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो देखना जरूर एक बार। इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 9.3 out of 10। वैसे इसरो में क्रायोजेनिक डिवीजन के इंचार्ज श्री नंबी नारायणन जी को 2019 में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत के तीसरे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। रॉकेटरी फिल्म की स्क्रिप्ट खुद माधवन सर ने ही लिखी है और इसको लिखने में 1.5 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। साथ ही इसके कुछ डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले को सुखमनी साधना जी ने भी लिखा है। इस फिल्म में माधवन सर ने काफी सारी चीजों को रियल दिखाने की कोशिश करी है और इसके लिए उन्होंने अपने दांतों को थोड़ा सा डिसलोकेट भी करवाया था, क्योंकि इस फिल्म की स्क्रिप्ट की यही डिमांड थी और शूटिंग के बाद में इनको सही होने में काफी ज्यादा समय लग गया था। माधवन सर ने अप्रैल 2017 में इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था और जनवरी 2019 के फर्स्ट वीक में इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसे थिएटर तक पहुँचने में काफी ज्यादा समय लग गया। भले ही 6 साल लग गए हों इस सफर में। फिल्म की स्टार्टिंग में नंबी सर को पूजा करते हुए दिखाया जाता है और उनकी पूरी फैमिली एक साथ में बैठ करके लंच कर रही होती है। साथ ही न्यूज़पेपर में नंबी सर के बारे में एक खबर भी छपी होती है। इस फिल्म में नंबी नारायणन सर का किरदार और डायरेक्शन दोनों ही काम आर माधवन सर ने ही किए हैं। दोनों ही काम एक साथ करना माधवन सर के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, बट इन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। और यह बीते सीन उसी समय का है जब माधवन यानी कि नंबी नारायणन सर एक मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहाँ के पुजारी ने न्यूज पढ़ ली होती है, इसलिए वह नंबी सर को आरती नहीं लेने देता है। इसके कुछ ही देर बाद फिल्म सीधा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर नंबी सर के इंटरव्यू की तैयारियाँ चल रही होती हैं। फिल्म के हिंदी और इंग्लिश वर्जन में इस इंटरव्यू को शाहरुख खान के द्वारा करते हुए एंड तमिल वर्जन में इस इंटरव्यू को सूर्या सर के द्वारा किए जाते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म में जितने भी सीन एज्ड नारायणन सर के दिखाए गए हैं, उन सबको फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल में ही शूट किया गया है। और इन सीन्स को शूट करने के लिए माधवन सर को नंबी सर की तरह से दिखना होता था, जिसके लिए मेकअप करना पड़ता था, परफेक्ट हेयर कलर करना होता था। इन सब को करने में 12 से 14 घंटे तक का समय लगता था। यह सीन उस समय का है जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से नंबी सर के लिए एक लेटर आता है और उसके बाद में विक्रम साराभाई सर, कलाम सर और नंबी नारायणन सर को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है फिल्म में। और नंबी सर निकल पड़ते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेने के लिए। और इस फिल्म में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रियल एक्सटीरियर को दिखाया गया है। यह वही सीन है जिसमें नंबी सर को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहली क्लास अटेंड करते हुए दिखाया गया है। और इसके बाद नंबी सर नए दोस्त बनाते हैं और फिर प्रोफेसर क्रोको के पास जाते हैं। काफी देर तक बातें करने के बाद में प्रोफेसर नंबी सर को लिक्विड प्रोपोर्शन सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बीटी सीन उस समय का है जब नंबी नारायणन और यूरी एक एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड में जाते हैं और यहीं पर यूरी रशियन KVD-1 इंजन के बारे में गलती से नंबी सर को बता देते हैं। जब नंबी सर प्रोफेसर क्रोको के अंडर में अपनी लिक्विड प्रोपोर्शन वाली थीसिस कंप्लीट कर लेते हैं, तब नंबी सर को नासा में ही जॉब करने का ऑफर मिल जाता है और यहीं पर वो पहली बार स्कॉट से मिलते हैं। और यहीं पर स्कॉट नंबी नारायणन सर को बैरी से मिलवाते हैं, तो यह वहीं का बीटीएस सीन है। इसके बाद में नंबी सर को अपनी वाइफ से मिलते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म में इनकी वाइफ मीना जी का किरदार किया है सिमरन जी ने। नंबी सर नासा के इस जॉब ऑफर को ठुकरा कर इंडिया आ जाते हैं और 1973 में अपना रॉकेट टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से ये रॉकेट टेस्टिंग फेल हो जाती है। और यह सीन उस समय का है जब अपने रॉकेट इंजन फेलियर के बाद में नंबी सर सतीश सर से मिलते हैं और अपने साथ 52 बेस्ट साइंटिस्ट को फ्रेंच सिखा करके फ्रांस ले जाने की बात करते हैं। यह बीटीएस सीन उसी समय का है जब नंबी सर अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि RCD में किस तरह से अपने सभी साइंटिस्ट को रोटेट किया जाए। एक्चुअली फ्रांस एक वाइकिंग इंजन बना रहा होता है और ये सभी लोग उसे ही साइलेंटली सीखने के लिए गए थे। और नंबी सर अपने प्लान में सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वाइकिंग इंजन का अपर स्टेबिलिटी मार्जिन बहुत ही कम होता है और स्टेबिलिटी मार्जिन को किस तरह से बढ़ाना है ये प्रोफेसर क्रोको ने पहले ही नंबी सर को सिखाया था। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब नंबी सर अपने रॉकेट इंजन को फ्रांस ले जाकर के टेस्ट करते हैं और 180 सेकंड तक चलने वाले इस इंजन का नाम विकास इंजन रखते हैं। इस मूवी में पहली बार रॉकेट इंजन को बिग स्क्रीन पर दिखाया गया है। स्क्रीन पर रॉकेट इंजन ही देखा होगा।
यह सीन उस समय का है जब नंबी सर रसिया से क्रायोजेनिक इंजन KVD-1 लेने के लिए जाते हैं। वैसे इन सीन्स को सर्बिया में शूट किया गया है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब नंबी सर को जेल के बाहर बैठे हुए दिखाया गया है। विकास माधवन सर खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो चलते हुए आएंगे तो नेक्स्ट टेक किस तरह से लिया जाएगा। फिल्म में दिखाया गया है कि नंबी सर और उनके परिवार को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, जिससे नंबी सर यह कबूल कर लें कि उन्होंने इस देश के रॉकेटरी के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचे हैं। यह बीटीएस सीन उसी समय का है जब नंबी सर जेल से घर वापस आते हैं और उनके घर पर पत्थरबाजी होने लगती है। यहीं पर एक और सीन देखने को मिलता है जहां पर नंबी सर तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे होते हैं और तुलसी जी के ऊपर एक जलता हुआ कपड़ा पड़ा होता है। इस सीन के बाद में जब नंबी सर अपनी वाइफ के साथ में एक डायग्नोस्टिक सेंटर से बाहर निकलते हैं, तो यहां पर उसी सीन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस फिल्म के सॉन्ग्स को प्रोड्यूस किया है दिवाकर सुब्रमण्यम सर ने। इस फिल्म में केवल दो सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, बहने दो और आसमान के नाम से। हिंदी और तमिल लैंग्वेज में इन दोनों ही सॉन्ग्स को गाया है आदित्य राव जी ने। साथ ही इस फिल्म का ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर दिया है सैम सीएस सर ने। इस फिल्म में माधवन सर ने यंग नंबी से लेकर एज्ड नंबी नारायणन तक का किरदार खुद ही किया है, और इसके लिए उन्हें बार बार अपने बालों के कलर और दाढ़ी के कलर को चेंज करवाना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब नंबी नारायणन सर एक शादी समारोह में जाते हैं और वहीं पर पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में वह निर्दोष साबित हुए हैं। और इस फिल्म की लास्ट में जब इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तब वहां पर माधवन सर की जगह पर खुद नंबी नारायणन सर को बैठे हुए दिखाया गया है। और फिल्म के क्लाइमेक्स में नंबी नारायणन सर खुद ही शाहरुख खान और सूर्य सर से बातें करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं माधवन और नंबी सर दोनों लोगों का लुक लगभग सेम ही लग रहा है। साथ ही मैं एक बात और बता दूं, इस फिल्म में शाहरुख खान और सूर्य सर दोनों लोगों ने ही अपने कैमियो के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की है। इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिनको रिकॉर्ड तो किया गया था लेकिन फिल्म में देखने को नहीं मिलते हैं, तो यह भी उनमें से ही एक सीन है। रॉकेटरी फिल्म के प्रमोशंस के टाइम पर टाइम्स ऑफ स्क्वायर में लगे नासदाग बिलबोर्ड पर इस फिल्म के ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया था, और इस प्रेजेंटेशन के दौरान नंबी सर व मैडी सर दोनों ही लोग वहां पर उपस्थित थे। वैसे इसका ऑफिशियल वीडियो माधवन सर के इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी भी अवेलेबल है। रॉकेटरी फिल्म को फ्रांस में हुए 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में 19 मई 2022 को प्रेजेंट किया गया था। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के टाइम पर वहां पर नंबी नारायणन सर, माधवन सर, साथ ही फेमस म्यूजिक कंपोजर AR रहमान सर और साथ ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सर भी वहां पर उपस्थित थे। इस फिल्म के लिए मैडी सर ने अपना बैली फैट रियलिस्टिक दिखाने के लिए काफी वेट गेन किया था, और मोटापे वाले सीन्स की शूटिंग के 14 दिन के बाद ही उन्होंने फिर से अपनी बॉडी को वही शेप दे दिया था। दिखाया हर चीज रियल है। आई होप रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ये बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल भी कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।